काशीपुर मेयर उषा चौधरी व नगर आयुक्त विवेक राय की अध्यक्षता में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन कर स्वच्छता की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को अपने आसपास गंदगी ना करने और गंदगी करने वालों की जानकारी साझा करने की अपील भी की गई। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े को लेकर रूपरेखा बनाई गई। नगर आयुक्त विवेक रॉय ने बताया कि इस लीग के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नगर निगम स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रहा है, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली, नाटक व सभा कर स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम ने बॉक्सर प्रियंका चौधरी को ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। 17 सितंबर को एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है, जो स्वच्छता का संदेश लेकर शहर भर में निकाली जाएगी और द्रोणा सागर में जाकर समाप्त होगी। नगर आयुक्त विवेक रॉय ने कहा कि इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोगों से भी अपील रहेगी कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं और दूसरों को ये कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे शहर साफ रहे और नागरिक स्वस्थ भी रहें। इस दौरान कार्यक्रम में नगर निगम कर्मचारियों, खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, विद्यालय के शिक्षकों व सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग लिया और अपने विचार भी रखे। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत काशीपुर में हम जो है एक आयोजन करेंगे, 15 दिन स्वच्छता का एक अभियान चलाएंगे, 15 से लेकर के 2 अक्टूबर। इसके अंतर्गत हमने लोगों का सहयोग मांगा, हमारे माननीय पार्षदगण, हमारे विभिन्न संगठनों के लोग, खिलाड़ियों को, सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। अपने ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया है कि कैसे हम शहर में जो है अपनी प्रभावी स्थिति बनाएं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रख सकें। उस साइकिल रैली के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि 17 को एक हमारी बहुत बड़ी रैली होने वाली है स्वच्छता को लेकर के, और उसका समापन जो है द्रोण सागर में होगा और प्रतीकात्मक रूप से द्रोण सागर में एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाएंगे हम। तो उसके लिए हम जो है कार्य योजनाएं बना रहे हैं, निश्चित रूप से उसको सामने लेकर के आपके आएंगे। जैसे विद्यालय के ठीक सामने नाली गेट के पास तक गहरी खुदी हुई है, जो बच्चों की दुर्घटनाओं का क्या सबब बनी हुई है। कई बार बच्चे उसमें गिर भी चुके हैं, साइकिल से बच्चे आते हैं, टीचर्स की भी गाड़ियां अंदर से निकलती हैं तो परेशानी होती है। और इस कूड़े का निराकरण के लिए जो विद्यालय के सामने है उसके निराकरण से संबंधित बात ही मैंने रखी थी, क्योंकि जिस स्थान पर कूड़ा फेंका जाता है उसके ठीक सामने स्कूल के अंदर हमारे स्कूल का जो MDM है वो बनता है और बच्चों की क्लासेस भी वहाँ पे होती हैं, जिससे काफ़ी कूड़ा, काफ़ी स्मेल हमारे विद्यालय में आती है। ये मुद्दा रखा। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।